माय गॉड, इट्स लाइक ना अच्छी तरह से मसाज करने के बाद ही अपने आप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ में हेल्दी खा पी के खुश होंगे। अभी रात के यहाँ बज रहे हैं 9, मैं 9 बजे के व्लॉग बनाने बैठी हूँ। इसके पीछे दो रीजन है, एक तो ये कि रात का टाइम बहुत सही होता है जहाँ अपनी स्किन को सबसे ज्यादा पैम्पर कर सकते हो, बिकॉज आपको जो रात का ये ड्यूरेशन मिलता है 9-10 घंटे का, इसमें आपकी स्किन ज्यादा से ज्यादा हेल्दी हो सकती है। तो मैं ज्यादा प्रिफर करती हूँ कि मैं रात का स्किन केयर करूँ। और दूसरी चीज ये कि अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, और हम फीमेल्स, हम लड़कियां, जब भी कोई फेस्टिवल आता है या फंक्शन होता है तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है वो होती है फेशियल। बिकॉज हम सब जानते हैं कि एक अच्छा फेशियल हमारे स्किन की ब्यूटी को भी इन्हांस करता है, प्लस ग्लो लाता है, हमारा मेकअप अच्छा होता है, साइन ऑफ एजिंग से हम दूर रहते हैं और रिलैक्सिंग मिलती है हमारे मसल्स को। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी सिर्फ 40 रुपए में फेशियल एट होम, लाइक सलून पार्लर ग्लो। यानी कि आप घर बैठे ही 40 रुपए में एक अच्छा सा फेशियल कर सकते हो। अच्छा सा मतलब लाइक जैसे आप पार्लर में जाके करते हो ना, आपको वैसा फेशियल देखने के लिए मिलेगा। तो देख इस बात की मैं आगे बढ़ू, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करना। हाँ, अगर आप पहली बार आए हो तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं हूं निलोफर शेख और इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलते हैं प्रोडक्ट रिव्यू, लाइफस्टाइल और बहुत सारे हैक और बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ। मैं आपके साथ में हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने का ट्राई करती हूँ, जैसे कि मैंने इस बार लाई हूँ। सो मैं दिखा दूं जादू की पुड़िया। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फेशियल करना स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट रिव्यू हो जाए जो एक्चुअल में मैं इस चैनल पे करती हूं। तो मेरे पास है चार्म्स एंड ग्लो का हर्बल फेशियल, ये कुछ इस तरह से आता है। इसकी प्राइसिंग आपको एरिया वाइज कहीं पे 40 रुपए मिल जाएगी, कहीं कहीं पे आपको 60 रुपीज में मिलेगा, बट इसके ऊपर लिखा हुआ है देन 40 रुपीज इफ यू कैन सी। तो ये 40 रुपए में आता है, ये एक हर्बल फेशियल है जिसमें आपको 5 स्टेप मिलते हैं, हाइजीन फ्रेश। मैं बताऊँ, मैंने इस फेशियल को हर स्किन टाइप पे किया है। अगर आपकी एजिंग वाली स्किन है तो भी आप इसको कर सकते हो, एक्ने प्रोन है तो भी आप कर सकते हो, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी आप इसको कर सकते हो, ड्राई है, ऑयली है, जैसे भी आपकी स्किन है आप सारी स्किन पे ये वाला फेशियल कर सकते हो। मैंने बहुत सारी स्किन पर ये वाला फेशियल ट्राई की हूँ और उसका रिजल्ट ऑसम होता है। इससे पहले आई थिंक बकरा ईद में इसको करवाई थी, बट मैंने इसका रिव्यू और डेमो आपको नहीं दी थी बिकॉज मैंने इसको अपने फ्रेंड से करवा के ली। तो जो पहला स्टेप है वो है क्लींजिंग का, जो बना है लेवेंडर एंड ऑरेंज के साथ। तो हम इसको पर लगाएंगे। ओ माय गॉड, इट्स लाइक अ मिल्क, यू कैन सी एकदम मिल्क जैसा है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा स्मूथ है, मतलब आप खो जाओगे इसकी फ्रेग्रेंस में, ऐसी इसकी फ्रेग्रेंस है। फेस पे अप्लाई करेंगे इसको, एकदम मिल्क है ये। मुझे सबसे अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस लग रही है, मतलब क्या यार क्या फ्रेग्रेंस है इसकी, एकदम से ना आपको काम कर देंगी। तो इसको 2-3 मिनट अपने फेस पे मसाज करें अच्छी तरह से। मिल्क क्लींजिंग, हम क्लींजिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन को क्लीन करता है, फेशियल के लिए रेडी करता है। अगर डर्ट से या फिर इम्प्योरिटी है, ऑयल है, तो आपकी स्किन से ही रिमूव कर देगा और आपकी स्किन को क्लीन करेगा, सिंपल। तो आपको सिर्फ 2 मिनट इसको अच्छी तरह से मसाज करना है ताकि आपके फेस का कोई एरिया ऐसा ना छूटे जिस पे कोई डर्ट लगा हो या स्वेटिंग हो या किसी तरह का कोई इम्प्योरिटी हो। हमारा सेकंड स्टेप है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, जो वॉलनट और ऑलिव ऑयल से बना है। तो हम इससे कैन सी इसमें बारीक बारीक ना ग्रैनुल्स है, अगर आपको दिख रहे होंगे तो। वाओ, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत सही है यार, मतलब एकदम से ना
मन मोह लेने वाली इसमें आपको फ्रेग्रेंस है और इसके अंदर बहुत ही बारीक से ना ग्रैनुल्स है जो आपको बहुत डीपली अच्छे से आपको स्क्रब करेंगे ताकि आपकी जितनी भी डेड सेल्स है स्किन की वो निकल जाए कि अच्छे से पॉलिश हो और उसका ग्लो भर के आए। तो इसको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट हम करेंगे अच्छे से मसाज। काफी अच्छे से स्क्रब हो चुका है और अभी आपको मेरे फेस पे काफी अच्छा ग्लो दिख रहा होगा। नाउ अभी इसी के ऊपर हम लेंगे स्टीम, उसके बाद में हम 2 बार स्टीम लेंगे वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले हम इस बार की स्टीम लेकर हमारे जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है उसको रिमूव करेंगे। सो चलो चल करते हैं। नाउ मैंने अच्छी तरह से स्टीम कर लिया है, अब इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे और हमारे जो भी ब्लैक हेड्स है ना उसको रिमूव करते हैं। नाउ थर्ड स्टेप है स्पा मसाज क्रीम, एलमंड ऑयल और शिया बटर के साथ है। आपको इसको पहले अप्लाई करना है फेस पर, उसके बाद में आपको स्टीम लेना है, स्टीम लेने के बाद आप इसको मसाज देंगे। नाउ मैं इसको स्टीम लेके मसाज करती हूँ। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद ही आपकी स्किन अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ अप्लाई करेंगे हमारा 4th स्टेप जो है फेस मास्क। ये है एप्रिकॉट एलोवेरा शिया बटर एंड द स्पीड मिंट का मास्क है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। मैंने मसाज करने के बाद स्किन को क्लीन नहीं किया है, हम इसी के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। सो ये थोड़ा थिक है, आप चाहो तो इसमें रोज वाटर ऐड करो या अगर आप चाहो तो इसमें पानी ऐड करके भी इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जितना थिक रहेगा ना ये उतनी जल्दी ड्राई हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा वाटर अप्लाई कर लेंगे तो इट्स गुड। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, जितनी भी मैंने इससे अब तक अप्लाई करी यार सबकी स्मेल आर सो ऑसम, एकदम से ना आपको ऐसा खाने का मूड करेगा बट यू कांट ईट। सो वेट करेंगे 10 से 15 मिनट का, मैं अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब हम इसको क्लीन करेंगे। थोड़ा सा वाटर लें एंड टैप टैप करके इसको मसाज करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम अप्लाई करेंगे हमारा स्टेप नंबर 5
जो है रेजुवेनेटिंग एंड नरिशिंग क्रीम, बिकॉज अभी इतने सारे स्टेप के बाद आपकी स्किन वैसे ही थोड़ी सी मेरी ड्राई हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है और जो हाइड्रेशन मुझे दे, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे धीज। अगर आप चाहो तो आप इस स्टेप से पहले आइस क्यूब्स को अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है, मेरी स्किन ऐसी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो धीज इज़ अ विटामिन ई टोमेटो कैरेट एंड द ग्रीन टी का ये है क्रीम। सो इसको हम अप्लाई करेंगे एंड डू मसाज ऑन योर फेस। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे प्लस सॉफ्ट करता है, मॉइस्चराइजिंग देगा और जो भी अगर आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन हो रही होंगी तो उसको हटाएगा। सो जस्ट बी काम एंड डू मसाज। हमारा आज का फेशियल एट होम जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में शेयर करी, होप तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। ऐसे फेस्टिवल में अपने घर पे इसी तरह से पार्लर वाले फेशियल करें एंड लेट मी इन कमेंट बॉक्स कि आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।